बताएं सुमित जी। दीपांशु, बायर का स्टॉक रडार पे आया है, फार्मा स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है वो है दिग्गज स्टॉक डॉक्टर रेड्डी। 4770 का अभी भाव है डॉक्टर रेड्डी का, लास्ट दो दिनों की कैंडल को ये एंगल्फ कर रहा है, तो यहाँ से डॉक्टर रेड्डी में ऊपर का मूव बनना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी में ऑप्शंस के जरिए 4800 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी 90 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा डॉक्टर रेड्डी का 4800 वाला कॉल। डॉक्टर रेड्डी के अंदर पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिला है, और इस बाउंस बैक के अंदर कल का और परसों का कैंडल अभी एंगल्फ होते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि जैसे 4800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो इसका सीधा और इमीडिएट टारगेट बनेगा 4900 से लेकर 4950 तक का, ये इसके इमीडिएट टारगेट होंगे, और ये मूव सस्टेन करता है तो 5000 के ऊपर भी जाएगा। इसके लिए डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे सीएमपी पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 4670-4680 के आसपास का, ऑप्शंस के जरिए खरीदारी करें 4800 वाला कॉल, स्टॉप लॉस 60 रुपए का, टारगेट ऊपर में 120 रुपए से लेके 130 रुपए तक के। बाय डॉक्टर रेड्डी 4800 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 60, टारगेट 120 से 130। बिल्कुल, तो खरीदना है डॉक्टर रेड्डीज का 4800 का कॉल सुमित जी।